पुलिस के पास कल शाम में सूचना आई थी कि ग्राम बसडीला थाना कोठीवार अंतर्गत दो पटेल परिवार हैं जो आपस में पटदार थे, वहां पर गन्ने के खेत में गन्ने काटने और ट्रैक्टर पर लोडिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। इस एक तरफ से तीन भाई थे, राजमोहन, शिवशरण और नौरंग, और दूसरी तरफ से रामाश्रय, उनके दो पुत्र ज्ञान भारत और श्याम बहादुर, और साथ में इनके पड़ोसी श्रीकांत। इन दोनों पक्षों के बीच में इस लोडिंग को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थी। इस विवाद के बाद थाना पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 116/23, जिसमें इनका पक्ष जो है शिवशरण, नौरंग और राजमोहन वाले पक्ष थे, रामाश्रय, ज्ञान भारत और श्याम बहादुर के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत करते हुए इन सभी मजरूबों को इलाज के लिए भेजा गया था। और इस पूरे विवाद में आज सुबह इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शिवशरण जो हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, उनका देहांत हुआ है। और उसी तरह दूसरे पक्ष थे, वहाँ पर एक उनके रिश्तेदार आए हुए थे जिनका नाम केशव बताया जा रहा है, उनको भी चोट लगी थी, उनका भी देहांत हुआ है। इन दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति जो है इसमें चोटिल थे और इलाज के दौरान इन दोनों का देहांत हुआ था। इस पूरे प्रकरण में अभियोग जो है पहले से पंजीकृत था, उसमें समुचित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, तथा ये जो रंजिश हुई है इसके मूल कारण में इसकी गहनता से पड़ताल करते हुए इसके मूल कारण में जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत का को रहन पर उठाने को लेकर इनके बीच में जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ था, इसमें गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो यहाँ पर पिकट पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी उनकी भी इसमें जिम्मेदारी थी।